राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राजस्थान में रीट 2021 भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और पेपर आउट होने के प्रकरण को उठाते हुए मामले में संसदीय समिति को भेजने, राज्यपाल से पूरे मामले की रिपोर्ट भेजने और सीबीआई जांच करवाने तथा उक्त भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग करते हुए राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि राजस्थान में भर्तियों में हो रही धांधली व लगातार आउट हो रहे पेपर से बेरोजगारों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की रीट 2021 भर्ती में एक संगठित गिरोह ने राजस्थान की सरकार के जिम्मेदारों के संरक्षण में पेपर आउट किया और दुर्भाग्य इस बात का है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जिन जिम्मेदारों की भूमिका परीक्षा को करवाने की थी उन्हीं जिम्मेदारों ने पेपर आउट करवाया। ये आरोप भी लगाए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में कहा कि शिक्षा संकुल में गैर सरकारी व्यक्तियों को पेपर की निगरानी के लिए नियुक्त कर देना और राजस्थान की जांच एजेंसी एसओजी द्वारा यह स्वीकार करना कि शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ है, जो ये इंगित करता है कि राजस्थान सरकार में बैठे मंत्रियों, अधिकारियों व मुख्यमंत्री कार्यालय की शय के बिना यह असंभव था। सांसद ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जिन्हें राजस्थान में रीट परीक्षा में अहम जिम्मेदारी मिली थी वो कांग्रेस की राजीव गांधी स्टडी सर्कल संस्था में सदस्य और पदाधिकारी है, जिनके संरक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेशनल कोऑर्डिनेटर मंत्री सुभाष गर्ग है। वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारोली सदस्य है और रीट जयपुर कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर संस्था के जयपुर रीजन कोऑर्डिनेटर है। संसद ने कहा कि एसओजी राजस्थान सरकार की एजेंसी, इसलिए पर्दे के पीछे जो असली मगरमच्छ है उन्हें वो नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि पेपर जब आउट हुआ तब राजस्थान सरकार के जिम्मेदार यह दावा कर रहे थे कि पेपर आउट ही नहीं हुआ, इसलिए मामले में सीबीआई जांच जरूरी है। बेनीवाल ने कहा इस भर्ती में वित्तीय घोटाला भी हुआ है, क्योंकि 10 साल पहले आरटेट के पेपर जिस फर्म से छपवाए गए थे उसी फर्म से इस बार भी छपवाए गए हैं और गड़बड़ी उस समय भी हुई और उसके बावजूद उस एजेंसी को फिर से प्रिंट का जिम्मा दे दिया गया। फिर राजस्थान के किस अधिकारी ने उसी फर्म को यह काम दिलवाया, यह जांच का विषय है, क्योंकि वित्तीय घोटाला भी इस पूरे मामले में हुआ है, क्योंकि इस फर्म को 130 करोड़ के आसपास की राशि का भुगतान किया गया। इन भर्तियों का भी जिक्र किया गया। सांसद ने कहा कि वर्तमान राजस्थान सरकार के कार्यकाल में 5 बड़ी भर्ती परीक्षाएं हुई, 5 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं। सांसद ने कहा कि राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा नीट 2021, जयन भर्ती परीक्षा 2021, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड परीक्षा के पेपर रीट से पहले आउट हुए हैं। इन मुद्दों को भी सांसद ने रखा और सांसद ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में 82 बिंदुओं के माध्यम से जो बातें कही उसमें ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं हुआ जिसमें यह सामने आ सका कि शासन की क्या कमियां रही। सांसद ने कोरोना काल में संसाधनों की कमियों, ऑक्सीजन की कमियों से हुई मौतों का जिक्र भी किया और कहा कि अभिभाषण के बिंदु संख्या 14 में राष्ट्रपति ने संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके आदर्शों का जिक्र तो किया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों को खत्म करना आरक्षण को खत्म करना नहीं है? चूंकि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में, इसलिए सरकारी नौकरियों में कटौती का मतलब आरक्षण को कमजोर होना भी है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार वंचित वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। अगर हम नौकरियों की घटती संख्या, सरकारी क्षेत्र के निजीकरण और नौकरशाही में हो रही लेटरल एंट्री में आरक्षण की अनदेखी को मिलाकर देखें तो ये कहा जा सकता है कि वास्तव में आरक्षण ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां इसके होने या न होने में खास अंतर नहीं रह जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि अभिभाषण में स्वाधीनता, समानता तथा भाईचारे का जिक्र किया, मगर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वह चिंताजनक है। ऐसे में सरकारों को आजादी के दशकों के बाद भी दलित उत्पीड़न के मामलों पर लगाम लगाने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकताएं थी, मगर वे आवश्यकताएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं आ पा रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने समर्थन मूल्य पर कानून बना दिया तथा किसान की पूरी उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने की नीति बनाने की मांग की। बेनीवाल ने ग्रामीण भारत में किसान परिवारों की वार्षिक आय, कृषि की अनुमानित विकास दर के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए राजस्थान में राहुल गांधी द्वारा किसान कर्ज माफी को लेकर किए गए वादे का जिक्र करते हुए कहा कि आज तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं किया और किसानों को संबल देने के स्थान पर किसानों की जमीन को कुर्क किया जा रहा है। उन्होंने किसान आत्महत्या, डीएपी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर ली जाने वाली जीएसटी का मुद्दा भी उठाया, साथ ही रेलवे भर्ती में हुए घोटाले का जिक्र भी किया, वहीं सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों का भी जिक्र किया। एक युवाओं पर मैं मेरी बात कहूंगा, फिर राजस्थान के अंदर एक मिनट शब्द मोदी हाल ही में रेलवे भर्ती में शामिल युवाओं ने उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया, जिन पर पुलिस ने खूब लाठियां बांधी, युवा घायल हुए। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा में परिणाम हुई, कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन दौरान बनी 19 में जारी 35,000 नौकरियों के लिए 1.25 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया,
तीन साल होने के बाद भी युवाओं को नौकरी कहीं दूर दूर तक नहीं नौकरी दिखाई दे रही, ऊपर से अपना हक मांग रहे, गरीब परिवार से आ रहे युवाओं को ही बेरहमी से पीटा गया। समझ मध्य प्रदेश में रोजगार की हालत यह है कि केवल केंद्र में 8.72 लाख पद खाली पड़े, वहीं केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले भर्तियों जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIM, IIT, PSU, बैंक में 4.25 लाख भर्तियाँ खाली। ये हमारे देश के मध्यम वर्ग से आने वाले युवाओं के सबसे बड़ा विश्वासघात है, उन्हें नौकरी लेने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। समझ महोदय, मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहूँगा, लास्ट दो मिनट था ना, लेकिन देश में राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में बेरोजगारी के जो आंकड़े सामने आए इतने भवाए भया, मेरे राजस्थान की अगर बात करो तो एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार हर दूसरा ग्रेजुएट राजस्थान के अंदर बेरोजगार है। 20 लाख से अधिक युवा राजस्थान में, बिहार, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हर तीसरा ग्रेजुएट हुआ बेरोजगार है। देश की हर पांचवीं शहरी महिला बेरोजगार है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार देने के ठोस उपाय कोई विजन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नजर नहीं आ रहा है। समझ महोदय, एक जो मेरे राजस्थान का एक राजस्थान का प्रमुख मामला साहब, वहाँ राजस्थान का युवा आंदोलित है, मैं एक डेढ़ मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। राजस्थान के अंदर भर्तियों में बड़ी धांधली, राजस्थान प्रांत के अंदर हर पेपर आउट हो रहा है, और कल भी ये मामला यहाँ उठा था, लगातार आउट हो रहे पेपर से बेरोजगारों में व्याप्त आक्रोश हुए, बेरोजगारों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। राजस्थान की रीट 2021 बत्ती हुई और एक संगठित गिरोह ने राजस्थान की सरकार के जिम्मेदारों के संरक्षण में पेपर आउट किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जिन जिम्मेदारों की भूमिका परीक्षा को करवाने की थी, उन्हीं जिम्मेदारों ने पेपर आउट करवाया। समझ महोदय, राजस्थान रीट के मामले में पेपर आउट होने के बाद बोली लगी, 5 करोड़ तक पेपर विकार, जिसने जितनी ज़्यादा रकम लगाई उसको पेपर पहुंचा। RBSE द्वारा शिक्षा संकुल में गैर सरकारी व्यक्ति को पेपर की निगरानी के लिए नियुक्त कर देना और राजस्थान की जांच एजेंसी SOG द्वारा यह स्वीकार करना कि शिक्षा संकुल से पेपर आउट, एक मिनट सर, पेपर शिक्षा संकुल से आउट और इंगित करता है कि राजस्थान सरकार में बैठे मंत्रियों, अधिकारियों एंड CMO की सह के बिना संभव था, संभव नहीं था। इस पूरे मामले में एक बात ये सामने आई सभी महोदय कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, जिन्हें राजस्थान में रीट परीक्षा में एम जिम्मेदारी मिली वो कांग्रेस की राजीव गांधी स्टडी सर्कल संस्था में सदस्य और पदाधिकारी हैं, जिनके संरक्षण से संरक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेशनल कोऑर्डिनेटर मंत्री